हफ्ते यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी प्राग दौरे पर थे, जहां उन्होंने सीजेक रिपब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्लिम्स को शेयर किया। वापसी के दौरान अपने शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के स्टॉप पर उन्होंने स्काईबस पर सफर किया। Skybus is a unique elevated rail system that offers a sustainable and congestion-free urban mobility solution. ये एक केबल सिस्टम पर चलता है जहां जमीन का इस्तेमाल नहीं होता और पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। गडकरी की Skybus टेस्ट राइड उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर को दर्शाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पहली बार नहीं होगा जब Skybus टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंडिया आएगा। 2001 के दौरान गोवा में इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट बी राजा राम ने BEML और कोंकण रेलवे के साथ मिलकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निरीक्षण में एक Skybus मेट्रो प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जिसके टेस्ट रन्स भी 1.6 किलोमीटर तक के लेन पर किए गए। बट अनफॉर्चुनेटली 2008 में ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स सच एज टेक्निकल चैलेंजेस, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, इसे कैंसिल करना पड़ा। ये Skybus मेट्रो प्रोटोटाइप जर्मनी की एच बैंड सिस्टम पर बेस्ड थी, लेकिन UAE में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के Skybus टेस्ट राइड को देखकर लगता है जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा उसे नितिन गडकरी बहुत जल्द पूरा करेंगे। इंडिया में आज के दौर में Skybus को एक फास्ट, रिलायबल और चीप मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिमिलर टू मेट्रो एक और विकल्प की तरह देखा जा सकता है। क्या आप हमारे देश में Skybus टेक्नोलॉजी को देखना चाहेंगे? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑटो लाइफ।